हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, ऑब्वियसली तैयारियां तो पूरी हो चुकी होंगी, लेकिन आप हमें ये बताइए क्यों जरूरी है दर्शकों के लिए आज ये समिट जरूर देखना? देखिए, ये समझने के लिए कि पिछले 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किस तरह से हालात बदले हैं और दुनिया के जो बड़े देश पहले जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जिनकी गूंज होती थी, वो अब कैसे पीछे हटते जा रहे हैं और भारत का जो उदय है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है, ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि NDTV वर्ल्ड समिट में जो ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं, जैसा संजय सर ने कहा, 4 देशों के प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं, और इसके अलावा थॉट लीडर्स हैं, बहुत सारे ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो उनकी निगाहें इस NDTV वर्ल्ड समिट में होंगी। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में, जिस नए वैश्विक ऑर्डर का उदय हो रहा है, उसमें भारत की जो भूमिका है वो किस तरह धीरे धीरे महत्वपूर्ण होती जा रही है, इसकी एक बड़ी तस्वीर NDTV वर्ल्ड समिट में दर्शकों को देखने को मिलेगी। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने NDTV वर्ल्ड समिट के एजेंडे को बहुत अच्छे से बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, भारत की जो युवा शक्ति है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं, उस युवा शक्ति ने किस तरह से भारत को एक नई ऊंचाई की तरफ पहुंचाया है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब मैं NDTV वर्ल्ड समिट में भाग लूंगा तो मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा कि भारत ने किस तरह प्रगति की है और किस क्यों भारत दुनिया में एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट बना हुआ है, इस शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया है। और इसलिए ये महत्वपूर्ण होगा दर्शकों के लिए कि भारत का जो उदय हो रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एरिना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो, आपको पता, अगले 2 साल के अंदर भारत तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं जहां पर भारत ने पिछले 10 साल में बहुत तेज़ी से प्रगति की है मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान, और इसकी एक बड़ी तस्वीर जो है वो NDTV वर्ल्ड समिट में आपको दिखाई देगी। प्रधानमंत्री के अलावा 3 और देशों के प्रधानमंत्री इसमें भाग लेंगे, बारबाडोस, जमैका, भूटान के प्रधानमंत्री विशेष तौर पर NDTV वर्ल्ड समिट को संबोधित करने आ रहे हैं, और उनके संबोधन में वो एक बड़ी तस्वीर नए वर्ल्ड ऑर्डर की आपको दिखाई देगी और उसमें भारत किस तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आने वाले दिनों में जो भारत का जो उदय है उसकी दिशा और दशा क्या रहने वाली है, भारत की क्या भूमिका होगी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें, उस सब का एक, सबकी एक बड़ी तस्वीर जो है वो आपको इस ग्लोबल समिट में दिखाई देगी। महत्वपूर्ण ये भी है कि आज प्रधानमंत्री NDTV वर्ल्ड चैनल को लॉन्च भी करेंगे और ये हमारा 7वां चैनल होगा। जैसा संजय सर बता रहे थे, एक सॉफ्ट लॉन्च कुछ समय पहले किया गया था, अभी NDTV वर्ल्ड दुनिया के 63 देशों में देखा जाता है। अब इस लॉन्च के बाद अब 80 देशों में जो भारतीय मूल के लोग हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय दर्शक हैं वो NDTV वर्ल्ड पर दुनिया भर की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको बहुत आसानी से अब देख पाएंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है और मुझे लगता है कि दर्शकों को, विशेषकर जिनकी रुचि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में है, जो ये समझना चाहते हैं कि भारत किस तरह 2047 तक एक विकसित देश बनेगा, क्या रोडमैप भारत सरकार ने तैयार किया है, इन सब की एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब NDTV वर्ल्ड समिट को संबोधित करेंगे तो ये तस्वीर दुनिया के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने वाले हैं। यहाँ पर यह भी समझना आपको ज़रूरी होगा कि पिछले 10 साल में विशेषकर आर्थिक मोर्चे पर जो बड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी ने किए, उनकी सरकार ने किया है, उसकी वजह से विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत दुनिया में एक बड़ा ग्लोबल हब बनता नज़र आ रहा है। आप देखिए, पिछले 2 साल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है, FDI जो है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत की जो बहुत सक्रिय भूमिका है और महत्व है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वो बहुत प्रमुखता से पिछले 10 साल में आगे आई है और अगले 2 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी भारत की बढ़ी हैं। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, साथ ही यूक्रेन के जो लीडरशिप हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, ग्लोबल वर्ल्ड लीडर्स के साथ वो लगातार मिलते रहे हैं और तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद कम से कम 8
ऐसी महत्वपूर्ण समिट मीटिंग्स में प्रधानमंत्री भाग लेते रहे हैं और ये दर्शाता है कि दुनिया की निगाहें अब भारत के ऊपर हैं, कि भारत जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स के, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के, उसमें भारत क्या सोच रखता है, इसको प्रधानमंत्री ने बहुत प्रमुखता से दुनिया के सामने रखा है। और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की क्या भूमिका होगी और आने वाले दिनों में भारत को और क्या करना होगा, दुनिया की क्या उम्मीदें हैं, इन सब पर आज और कल बहुत विस्तार से NDTV वर्ल्ड समिट में चर्चा होने वाली है। और इसलिए जो दर्शक रुचि रखते हैं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर सामने आ रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स हैं भारत के, उनकी निगाहें ज़रूर NDTV वर्ल्ड समिट पर होंगी। बिल्कुल, और उनको उनके एक लिए बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन भी, और जिस तरह संजय सर ने कहा भी था कि उनकी नज़रें ज़रूर हमारे आज स्क्रीन पर रहनी चाहिए। बहुत कम देर अब बची है जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी वहाँ पर होगी, जहाँ हिमांशु इस वक्त आप मौजूद हैं। प्लेटफॉर्म सेट है, हमारा मंच सज चुका है, तैयारियों के लिहाज से क्या कुछ खास जरा बताइए। देखिए, बहुत सख्त सुरक्षा व्यवस्था है और SPG ने जो पूरे ताज पैलेस होटल को सैनिटाइज किया है, और जिनके पास विशेष पासेस, सिक्योरिटी पासेस इशू किए गए हैं, उनको सिर्फ अनुमति दी जा रही है जिस मेन हॉल में, दरबार हॉल में प्रधानमंत्री NDTV वर्ल्ड समिट को संबोधित करेंगे। और दुनिया के कई देशों के जो राजनयिक हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं, भारत सरकार के बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और विशेषकर जिसका जिक्र संजय सर ने भी किया था कि जो इंटरनेशनल बिजनेस लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद होंगे। सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल के चेयरमैन हैं वो यहाँ पर होंगे, मार्क मोबियस एक लेजेंड हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। और क्योंकि भारत सरकार ने बहुत प्रमुखता से पिछले कुछ साल में भारत को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप करने के लिए कई स्तर पर आर्थिक और दूसरी जो सरकारी नीतियां हैं वो बनाई गई हैं, उनका कार्यान्वयन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कई सेक्टर्स में हमने देखा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो एप्पल कंपनी हो या दूसरी ग्लोबल लीडिंग कंपनीज़ हों, वो सब भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप कर रही हैं। सुपर कंडक्टर एक विशेष सब्जेक्ट रहा है जिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस प्रधानमंत्री का रहा है, उस सेक्टर में भी कई दुनिया की जो बड़ी ग्लोबल लीडर्स हैं, कंपनीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी निवेश करने का फैसला किया है। तो एक बहुत बड़ी नई शुरुआत हुई है और इसकी एक बड़ी तस्वीर जो है वो आज NDTV वर्ल्ड समिट में आपको देखने को मिलेगी। और इसमें करीब 30 से 40 इम्पॉर्टेंट स्पीकर्स हैं जो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, और भारत को एक सॉफ्ट पावर के तौर पर किस तरह आगे प्रोजेक्ट किया जाए, जो कल्चरल डिप्लोमेसी है और उस सेक्टर में भारत को आगे क्या करने की ज़रूरत होगी, इसके लिए कल्चर सेक्टर के, इंटरटेनमेंट सेक्टर के भी बड़े लीडर्स हैं, उनको विशेष तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी फ्रंट पे भारत को आगे क्या रोड मैप बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो, ग्लोबल इकोनॉमी हो, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो, या फिर सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो, या फिर कल्चरल डिप्लोमेसी हो, हर फ्रंट पे जो लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं दुनिया में उनको विशेष तौर पर NDTV वर्ल्ड समिट में इन्वाइट किया गया। लेकिन फिलहाल जैसा आपने कहा, सबकी निगाहें प्रधानमंत्री पर होंगी जो करीब 9:50 के आसपास ताज पैलेस होटल पहुंचेंगे, और 10 बजे से जो कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेने वाले हैं वो कार्यक्रम औपचारिक तौर पर शुरू होगा। ज़्यादा वक्त नहीं है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, और जो दर्शक और जो लोग यहाँ पर विशेष अतिथि हैं जिनको आमंत्रित किया है NDTV ने, वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचना उनका शुरू हो चुका है। और महत्वपूर्ण ये भी होगा, हिमांशु शेखर मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए थे। हिमांशु जो हमें वर्ल्ड समिट के बारे में बता रहे हैं, आज बहुत बड़ा दिन है राहुल, NDTV के लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स यहां पर मौजूद रहेंगे, मंच सज चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ इसकी शुरुआत होगी।